हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के जो रिक्वायरमेंट है वो तुर्की का रिक्वायरमेंट है, और तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना। उसका जो है रिक्वायरमेंट आया हुआ है अपने पास, और पूरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसके अंदर जो है 20 कैटेगरी के बंदे चाहिए, और सैलरी बहुत अच्छी है इसमें, ठीक है। और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क परमिट, डायरेक्ट वर्क परमिट आपका लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो जो भाई भी जाना चाहते हैं इसमें, सबसे अच्छा चीज़ इसमें यह है कि आपको 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ इंडिया में पे करना है, और 1 लाख जो है आपके सैलरी से कटेगा, यानी कि टोटल 2.5 लाख रुपए खर्चा है। और सैलरी इसमें 20 कैटेगरी है, 70,000 60,000 से ऊपर सैलरी है, ठीक है। चाहे वो हेल्पर हो, जो भी है इसमें, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर सबका सैलरी जो है 60,000 से ऊपर है। और इसमें आपको हमारे ऑफिस का एग्रीमेंट मिलेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं तो आपको स्टम्प पेपर पे भी जो कोर्ट का पेपर जो बनता है वो भी आपको मिल सकता है, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और जो एडवांस आप देते हैं वो स्टम्प पेपर पे आपका लिखा हुआ रहेगा कि आप 20,000 या 30,000 जो भी है एडवांस आप दे रहे हैं, बाकी जो भी बैलेंस आपका बाकी है वो आफ्टर वीज़ा है, आफ्टर टिकट है, 3 टाइम में स्टेप बाय स्टेप आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो लीगल तरीके से ये काम है, और जो भी भाई जाना चाहते हैं बिंदास जाए, कोई टेंशन लेकर के काम ना करे, ठीक है। सबसे पहला जो है इसमें सिविल इंजीनियर चाहिए, 2200 से लेकर के 3500 USD मिलेगा, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। और 2200 भी अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये, आप कैलकुलेशन कर लो। $1 आज की डेट में 98 या 90, $1 जो है 90 रुपये के बराबर है आज की डेट में। तो आप इंडियन में भी चेक कर सकते हैं, इसमें जितना 20 कैटेगरी है 20 कैटेगरी का क्या सैलरी है, और सैलरी जो है आप गूगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कितना बन रहा है, ठीक है। तो 2200 से लेकर के 3500 तक सिविल इंजीनियर का सैलरी है, 10 बंदे चाहिए। और मैकेनिकल इंजीनियर 8 चाहिए, 2500 से लेकर के 4000 USD सैलरी है। तीसरा कैटेगरी जो है सुपरवाइजर है, कोई भी कैटेगरी का सुपरवाइजर है तो चलेगा, ठीक है ना। चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में किया है, या कोई बड़ी कंपनी में सुपरवाइजिंग का काम किया है, या इंडियन एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, सैलरी अच्छी दे रही है, ठीक है। सुपरवाइजर का जो सैलरी है, ऑल ट्रेड सुपरवाइजर मुझे चाहिए, ठीक है। 30 सुपरवाइजर चाहिए, $1,850 से लेकर के $2,250 सैलरी रहेगा, ठीक है। चौथा जो है फोरमैन चाहिए, कोई भी कैटेगरी का काम किया हो फोरमैन, कोई भी कंपनी में काम किया हो, ऑल ट्रेड फोरमैन चाहिए मुझे, ठीक है। 30 बंदे चाहिए, $1,600 से लेकर के $2,200 सैलरी रहेगा। पांचवा कैटेगरी जो है सेफ्टी ऑफिसर है, 35 बंदे चाहिए, $1,400 से लेकर के $2,200 तक सैलरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद वेल्डर चाहिए, ऑल वर्ल्ड वेल्डर, 6G 4G 3G, और जो भी वेल्डर में कैटेगरी आता है कोई भी वेल्डर चलेगा, ठीक है। 25 बंदे चाहिए, $900 से लेकर के $1,400 तक सैलरी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हेवी ड्राइवर चाहिए इसमें, हेवी ड्राइवर का जो सैलरी है 25 हेवी ड्राइवर चाहिए, $1,200 से लेकर के $2,000 तक सैलरी रहेगा, ठीक है। लाइट ड्राइवर चाहिए,
35 लाइट ड्राइवर चाहिए, इंडियन एक्सपीरियंस हो या फिर बाहर का एक्सपीरियंस हो, रिटर्न फ्रेश कोई भी चलेगा। 900 से लेकर के 1400 डॉलर तक सैलरी रहेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस के ऊपर है, ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा तो 1400 मिलेगा, अगर कम एक्सपीरियंस है तो 900 से स्टार्ट है। 900 डॉलर भी मिल जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी है, 900 डॉलर का अच्छी रेट में 90,000 सैलरी होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हाउस इलेक्ट्रिशियन हो या इंडस्ट्रीज में काम करते हो इलेक्ट्रिशियन, कोई भी चलेगा। 11वें नंबर पे जो है इलेक्ट्रिशियन है। 25 चाहिए इलेक्ट्रिशियन, 900 से लेकर के 1800 तक सैलरी लगेगी, ठीक है। एक्सपीरियंस के ऊपर है, सीवी सिलेक्शन का काम है, और जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। 11वां जो है टाइम कीपर चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए। इसमें 30 सैलरी जो है 900 से 1400 डॉलर सैलरी लगेगा। 12वां कैटेगरी जो है मेसन है, ऑलराउंडर मेसन, टाइल मेसन, जो भी हो सब मेसन इसमें चलेगा। ऑल कैटेगरीज मेसन चाहिए, मिस्त्री 20 मिस्त्री चाहिए। सैलरी जो है 900 से लेकर के 1400 डॉलर तक सैलरी लगेगी, बहुत अच्छी सैलरी दे रही है भाई, ठीक है ना। 90,000 1 लाख सैलरी है तुर्की का, ये इंडियन मनी आपका, ठीक है। पाइप फिटर चाहिए, स्ट्रक्चर पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर चाहिए इसमें, ठीक है ना। 40 बंदे चाहिए, 900 से 1400 डॉलर सैलरी लगेगी। उसके बाद एसी टेक्नीशियन चाहिए, रिगर, डॉकमैन, एसी टेक्नीशियन, ये सब चाहिए। 40 बंदे चाहिए, 900 से 1800 सैलरी लगेगी, ठीक है। 15वां कैटेगरी जो है वो स्टील फिक्सर का है, अल्मोनियम फिटर है, अल्मोनियम फैब्रिकेटर है। 30 बंदे चाहिए, 900 से 1400 डॉलर तक सैलरी लगेगी, ठीक है। उसके बाद वॉल पेंटर चाहिए, स्प्रे पेंटर चाहिए। 40 बंदे चाहिए, 900 से 1400 डॉलर सैलरी लगेगी, ठीक है। इसका फोल्डर प्लम्बर चाहिए, 45 बंदे चाहिए, 900 से 1400 डॉलर सैलरी लगेगी, ठीक है। शटरिंग कारपेंटर चाहिए 50, 900 से 1400 डॉलर सैलरी लगेगी, ठीक है। लास्ट में जो है जनरल हेल्पर चाहिए। हेल्पर में आप जाएंगे तो हेल्पर में आपको कोई भी काम मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन लेबर में, मैकेनिकल हेल्पर में भी मिल सकता है, या फिर लेबर का काम जो होता है लेबर के डिग्री में बिल्डिंग लाइन में वो भी मिल सकता है, या मेशन आपका जो रहेगा इलेक्ट्रिशियन के नीचे, एसी टेक्नीशियन के नीचे, मतलब हेल्पर को कोई भी काम मिल सकता है वहाँ पे, अपने हिसाब से वो नहीं कर सकता वहाँ पे काम, ठीक है। सैलरी जो है सारे 600 डॉलर से लेकर के आपका 900 डॉलर तक सैलरी लगेगी, ठीक है। 55,000 से लेकर के आपका 90-70,000 तक सैलरी आपको मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके काम के ऊपर में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप जाना चाहते हैं 1 PDF में मुझे अपना डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, और जो भी कैटेगरी रहेगा लेबर का छोड़ के सबका रिज्यूम के साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का, बैक एंड फ्रंट का स्कैन कॉपी, रिज्यूम, वैक्सीन का पेपर, ये सारा चीज़ जो है 1 PDF में डाल के मुझे भेजिए मेरे नंबर पे। और मैंने आपको सर्विस चार्ज बता दिया है, 1.5 लाख सर्विस चार्ज है, और काम जो है बहुत अच्छा काम है, वर्क परमिट है डायरेक्ट, ठीक है। 2 साल का वर्क परमिट लगेगा इसमें, तो घबराने का कोई टेंशन नहीं है। विजिट वीजा नहीं है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा है इसमें, तो इसमें आप आग बंद करके भी जाएंगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंपनी जो है आपको रूम दे रही है, खाना दे रही है, 8 घंटे का ड्यूटी है। उसके बाद जो है इसमें एज लिमिट जो है 20 से लेकर के 45 का बंदा चलेगा, ठीक है। 45 साल तक का भी बंदा चलेगा। हफ्ते में 6 दिन काम है, एक दिन छुट्टी है, 8 घंटे की ड्यूटी है। एक्स्ट्रा अगर करते हैं तो उसका ही पैसा आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा वहाँ का तुर्की के लेबर लोग के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कीजिए, या अगर मुंबई में है तो एक बार आप मिल लीजिए,
जैसे भी आपको काम करना है, अगर आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं और आपको जल्दी जाना है तो इस जॉब में जा सकते हैं। 1 मंथ का प्रोसेस टाइमिंग है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।